ये वीडियो आज मेरे हाथ में आया और मैंने सोचा कि यार ये क्या, मतलब मुझे समझ में नहीं आया रोशन सिंह सोढ़ी जेनिफर मिस्त्री ने क्या क्या बातें कही। सुनने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप आपको दिखाता हूँ और हम साथ में बात भी करते हैं कि ये क्या है। बचपन से हमने तारक मेहता देखा है और तारक मेहता से हम एंटरटेन हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी है, और फिर अचानक ये सब चीज़ें सुनना मुझे समझ में नहीं आया। मैं आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप सुनाता हूँ और फिर हम बात करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी खत्म हो गई, अभी काय का ग्रेड, आ जाना मेरे रूम में, विस्की पीते हैं। मैंने अवॉइड किया। उन्होंने नाम नहीं लिया है तो इसलिए हम भी नाम नहीं लेते हैं कि किसके बारे में बोला है क्या नहीं है, पर जो आपने सुना, आ जाना मेरे रूम में विस्की पीते हैं। आगे सुनिए। मुझे अगले दिन बोला, रूम पार्टनर तो रात को चली जाती घूमने जाती, तुम क्या करती हो अकेले रूम में, आ जाया करो विस्की। कितने साल से हम ये शो देख रहे हैं, अचानक एक के बाद एक अभी निकलते जा रहे हैं। पहले शैलेश लोधा ने कहा, आप मेरे चैनल पर जाकर वो भी वीडियो देख सकते हो, फिर जेनिफर ने कहा था और उसके बाद बावरी ने कहा, और ये जेनिफर का कुछ नया वीडियो मैंने देखा। आगे सुनिए आप। धीरे से उन्होंने मेरे को बोला, तुम्हारे होंठ ना बड़े सुंदर है, ऐसा लगता पकड़ के किस कर लो, ऐसे शिवर होने लगे। ये ई टाइम्स को इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर उन्होंने ये सब चीज़ें कही है। हम शो देखते हैं, एंटरटेन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और बैक साइड में हर किसी की अलग अलग स्टोरी। आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट में बताना, और मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, धैर्य रखना, वो काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उससे कुछ सीखना। माँ बाप को खुश रखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, सबसे अच्छे तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। ऊपर वाला हम सबको सद्बुद्धि दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।